ਨੰਦੂ ਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੇ ਮਜਕਲ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਤੀਆਂ ਫੇ ਮਜਕਲ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮਜਕਲ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। तो स्वागत है आपका बाबा के नगरी में। उम्मीद है अच्छे योगे सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो देखो ना, आज हम जो खाने वाले हैं ना, एक मीठा सा रसगुल्ला खाने वाले हैं, सॉरी दो खाने वाले हैं। तो देखो, अगर तुम इन दोनों के फैन हो ना, तो आज हम इनके रसगुल्ले का जो रस है ना, एकदम निचोड़ डालेंगे। तो उस रस को ना लेने आ जाना भाई साहब। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सस्ते शिलाजीत की कॉपी तुषार सिलावत और सस्ता ब्रूसली रोहित 09 के बारे में। तो एयरफोन तो लगा लिए हो गया, अगर नहीं लगाए हो तो जाओ जल्दी से एयरफोन लगा के वीडियो देखने बैठ जाओ और आई बटन पर क्लिक करके पहला पार्ट तुम देख सकते हो। और यह वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है। सड़ने वालों की कब्रें मैं खुद खोद दूंगा बेटे, मेरी बारी आन दे। खफा हो रही हो, जुला हो रही हो, दिल को मेरे तुम सजा दे रही हो, समझ में न पाया। तो देखो, ये जो है ना, ये है इन्फ्लुएंसर के चौदह। तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं ना कि सिगरेट पी के गम को भुलाया जा सकता है, पर इनका जो खुद का शरीर है ना, वो सिगरेट की तरह होता है। वो अलग बात है, अगर कोई फूंक मार दे तो ये राख हो जाएंगे, पर इनको तो सिगरेट पीना है। वो बता देंगे तना तेरे दोस्त तेरे मित्र, चार गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का शितर, अगर बच कर निकले यहाँ से जितना बच सके, अपनी आकड़ को कृपया अपनी जेब में रखें। वो बता देंगे तना तेरे दोस्त तेरे मित्र, चार गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का शितर, अगर बच कर निकले। बेटे, तेरा बंदूक लेकर ना तेरे पिछवाड़े में डालूंगा और ना 147 के स्पीड से चलाऊंगा। बाबू, आपका जो चरम प्रास है ना, वो थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि ना आप ये जो कर रहे हैं ना, हम बचपन में करके छोड़ चुके हैं। नंदू लौंदे मेरे ते भले मजकल, ओ पीछे पीछे कुर्तिया फे मजकल, आउंदा इस तारा विच ने मजकल, तेरे करके गाने साडे नहीं चलदे। नंदू लौंदे मेरे ते भले मजकल। अरे ठीक है, मुझे पता है कि तुम वीडियो बना रहे हो, पर भोसड़ी के कमर पे हाथ रख कर ना हमारी क्यों जला रहे हो भाई, क्यों जला रहे हो? बिना कमर पे भी रखे ना वीडियो बन सकती है। और मुझे नहीं पता, अगर कोई लड़की खाली है, चाहे वो सिंगल है या तो उसका बॉयफ्रेंड है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं भी उसके साथ ऐसी वीडियो बनाना चाहता हूँ। भाई साहब, ये वही लौंडे है ना जो हाथ में डीएसएलआर लेकर और तीन चार ना बादलों की फोटो खींच कर ना अपने आप को ना प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझते हैं। बेटे, जहाँ पर बैठे हो ना वहाँ से उठ जाओ, नहीं तो ना तेरे पिछवाड़े पे एक और जो जख्म है ना, वो जुड़ जाएगा। और रंडी रोना करना है तो घर पे कर लो। हाँ, वो अलग बात है, अगर धंधे पे निकले हो वो तो रोड पे ही हो सकता है। वो चेक कर लेना कहीं काले नाग ने ना डस्ट तो नहीं लिया। और ना, अगर समझ गए हो मैं काले नाग से क्या कहना चाहता हूँ, तो तुम भी मेरी तरह हरामी बनते जा रहे हो, इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई साहब, आप कहाँ पे सोए? तो आपको मजा आया कि नहीं? तो देखो, तुम असलियत को चाहे कितना भी छिपा के रख लो ना, वो बाहर आ ही जाती है। कभी ये साले किसी के साथ सो जाते हैं तो कभी काला नाग डस लेता है, फिर बाद में ये बोलते हैं कि हमारी कोई इज्जत नहीं करता। बताओ कैसे करें इन भोसड़ी वालों का। हाँ, तो यह बात कैमरे से थोड़ा दूर रह के बोला जा सकता है, पर कैमरे में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। और इन भोसड़ी वालों को ना घुसने और घुसाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। बेटे, तुम मिलो किसी दिन, फिर हम घुसाएंगे। कैमरे में घुसाने की बात कर रहा हूँ, गंदी सोच वाले इंसान। प्रॉब्लम क्या है? से तो कुछ नहीं दिख रहा। ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। साले के हाथ में तो कुछ है भी नहीं, तब भी बाइक सही कर रहा है। चूतिया बनाना तो कोई इन लोगों से सीखे। और दूसरी बात, यह बंदा साइड में खड़ा है तो पापड़ कैसे बनेगा? तो ये थी हमारे ना सस्ते शिलाजीत की सस्ती जोक। तो हंसो, अरे हंसो, सालो शिलाजीत ने जोक मारा है। पानी पटका पानी तेरे करके गुलाबी हो रहा, तू फूला की सा गोरी, तू जट मारेगी छोरी, अरे अरे मैं गोलियां चल रही, ज्यादा सेक्सी हो रही। तो हमारे तुषार शिलाजीत भैया के पैर से मोटा ना, तो उनके हाथ में लिया हुआ
डंडा है तो भैया ना थोड़ा सा उसको आराम से उठाना, कहीं उसके वजन से ना आप गिर बच जाना। भाई साहब मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये वही लौंडे है ना जो ग्लास में एपी फीस लेकर और सबसे बोलते कि आज मैंने पी है, और भोसड़ी के सस्ते कबीर सिंह छत पर से उतर जाओ नहीं तो वही से ढकेलूंगा ना तो 5 किलोमीटर दूर जाकर गिरोगे। तो अब बारी आ चुकी है कि हम लोग दूसरे रसगुल्ले का जो है ना रस निचोड़े और तुम लोग उस रस को ना रोप लो। तो अब हम बात करने जा रहे हैं टिकटॉक के सस्ते ब्रूस ली के, जो अपने हर एक वीडियो में ना गन को चलाते और अपने आप को हे मां 50 तोला 50 तोला छपरी डॉन समझते हैं। खुद का दूसरों से मुकाबला करना छोड़ दो, सूरज हो या चांद हो चमकते अपने वक्त पे ही। अरे टार्जन की नाजायज सौलत, भाई साहब ये कौन सा ड्रेसिंग स्टाइल है? चलो माना कि तुम्हारे पास बेल्ट के लिए पैसे नहीं थे, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम रस्सी बांध लो। भाई मेरे से पैसे ले ले पर एक बेल्ट खरीद ले और उस रस्सी का ना यूज कर कपड़े सुखाने में। अरे सालो ये क्या था, एक्टिंग की जा रही थी कि हगने की कोशिश की जा रही थी? पर जो भी हो ना भाई साहब तुम लोग दोनों नहीं कर पाए, ना तो हग पाए ना तो एक्टिंग कर पाए। और ये हमारे छपरी डॉन। ओ भाई प्लीज प्लीज सॉरी ना, हफ्ता मत मांगना भाई, मैं हफ्ता नहीं दे पाऊंगा। बस बस सड़ी के 2 रुपए के सस्ते छपरी डॉन। भाई सच बता रहा हूँ, अगर यह वीडियो नहीं बन रही होती ना तो यह तीनों ना इसको ऐसा पेलते ना कि इसकी पूरी दादागिरी ना इसके गाड़ में घुस जाती। किसी महान पुरुष ने ना बहुत सही बात कही है कि ये सारे जो टिकटॉकर है ना ये नहाते धोते खाते मुत्ते सोते और गाड़ धोते हुए भी ना कैमरा ऑन किए रहते हैं। और भाई साहब मुझे ना इनका कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया, क्या उसके मुंह से बास आ रही थी जो उसको धक्का देकर नहाना चालू कर दिया? ये बॉडी के अंदर इतना सामान फिट किया है, याद नहीं रहता तेरे को मालूम? 206 टाइप का सिर्फ हड्डी है तो निगेटिव आप लोग सोचते हैं। वाह वाह क्या नॉलेज है भाई तुम्हारी, 206 नहीं साले 207 होती है। ओ सॉरी 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 भाई मैं भूल चुका था कि तुम लोगों का 206 ही होता है, हम लोगों का 207 होता है। अगर तुम समझ गए कि मैं 207 क्यों बोल रहा हूँ तो हरामियों कमेंट करो। तो अब बस इन दोनों का बहुत ज्यादा रस निचोड़ चुका है, तो अब बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मेरे टी शर्ट का हाल देख के समझ चुके होंगे कि कितना पसीना हो रहा है मुझे वीडियो बनाने में, तो मैं पसीने में वीडियो बना रहा हूं तो एक लाइक तो बनती है और शेयर भी बनता है। और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा और कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना, और मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर कहीं पे भी फॉलो कर सकते हो। और आई बटन पे क्लिक करके पहले पार्ट को देखो और बताओ कैसा था।